बेटा अपन होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1 का कोई भी सब पार्ट एनीवन। वैसे वो सिंपल वाला है, ये आ गए होगे तेरे को, जल्दी देख ले। हाँ थर्ड का थर्ड, ओके हाँ वो एक प्रॉपर्टी तुमको पता नहीं उसके लिए। क्वेश्चन 2 का एनी सब पार्ट एनीवन। मैं थर्ड के थर्ड पे पहले आ जाता हूँ, उसके पहले वाले कोई इशू होगा तो अपन देखते हैं। बेटा देखो आप लोगों को एक ये प्रॉपर्टी जरूर पता होती है, लॉग ए की पावर एम की वैल्यू कितनी होती है। डिफरेंशिएशन नहीं बोल रहा हूं मैं ना इंटीग्रेशन, इसकी सिंपल सी वैल्यू क्या होती है बाय प्रॉपर्टी, एम लॉग ए। जो यहां पे बेस था वही यहां पे बेस रहेगा या जो भी हो, ठीक है मान लो बी बेस था यहां पे बी बेस रहेगा, वैसे ही लॉग ए विद बेस बी है, मतलब बी की पावर एम चल रहा है अगर, ठीक है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/m log a विद बेस b। समझा ये चीज आप लोगों को, हाँ इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाँ अब ध्यान दे तो कुछ पढ़ रहा है मुझे पता है बट मत पढ़ बेटा, ये प्लीज देखिए ये चीज, इसकी वैल्यू ये होती है, ये हम लोगों ने कई बार यूज किया हुआ है इलेवेंथ में भी, ये वाली प्रॉपर्टी आपको नहीं है, आप लोगों को बेस चेंज प्रॉपर्टी से करवाते हैं बट आप लोग डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, ठीक है ये किसी को ये लिखने की इच्छा है तो लिख लो, वरना एटलीस्ट ये तो लिख लो और वो भी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन के बाजू में लिख लो, ठीक है। अच्छा मुझे नहीं पता पेज नंबर क्या है, फर्स्ट इसे 7.1 के थर्ड का थर्ड, तूने कल पूछी थी तेरे को बताया था मैंने, अला तेरा हो गया अला, ठीक है लिख लिया क्या प्रॉपर्टी है, जल्दी लिख रही जल्दी लिख कर। एक्सरसाइज 1 थर्ड के बाजू में लिख, थर्ड के बाजू में, हाँ चलो अभी ये वाला क्वेश्चन देख लो, अपनी प्रॉपर्टी क्या थी, लॉग ए विद बेस बी की पावर एम इज इक्वल टू लॉग ए विद बेस बी, बस ये 1/m बाहर आता था पे, तो ये एक्सचेंज किया मैंने यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स log 2 विद बेस 4 हुआ, x log 2 बेस 2 का स्क्वायर, ये जाएगा x 1/2 log 2 विद बेस 2 विच इज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2, खत्म। इससे आगे इंटीग्रेट आप लोगों को करना आता है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, ठीक है ये कर लीजिए एक बार आप लोग। नहीं नहीं वो 3/2 जो था डिनोमिनेटर को उसका 2 पर भेजना पड़ेगा, टैक्स डिस्काउंट दोनों साथ में, हाँ यार ये भी अच्छा आइडिया, तो सोचा नहीं मैं तो, ये बढ़िया आइडिया बताई उसने। कौन देखो जिन लोगों को ये प्रॉपर्टी क्लिक नहीं हो रही है, यानी पता ही नहीं क्लिक क्या पता ही नहीं थी अली, तो देखो इसको स्मार्टली इसने इन लोगों ने क्या किया है ना, ये लॉग 2 की जगह पे उसको रूट 4 विद बेस 4 किया पहले, रूट 4
ठीक है, फिर उसके बाद में उन्होंने इसको 4^1/2 किया, फिर ये 1/2 को उतार दिया यहाँ पे, गुड, जिन लोगों ने ये सोचा, अमेजिंग। अब ये आगे ऑब्वियसली लॉग 4/4 जो है सब कुछ अपना वो तो 1 ही होने वाला है, ठीक है। मुख्य क्या आगे के देखा क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज मेरे को लग गई था, मेरे को लग गई था, पता है तेरे को, सच बता रहा हूँ मैं। अबे तुम लोग स्कूल नहीं आते हो क्या? नहीं। तो घर पे किया करो ना होमवर्क फिर। अबे प्रैक्टिकल में प्रोजेक्ट बनाना पड़ता और ये संभालेगा कौन? प्रोजेक्ट में मिल जाएंगे किसी लड़की से बनवा लेना मार्क्स तो भी। जिनिशा अवेलेबल है क्या तू? स्क्रैप बुक भी है, स्क्रैप बुक भी है इसके हाथ में। ओहे बता दिया उसने, पता नहीं भाई मेरे को नहीं पता, हमारे समय तो हमने 11 12 स्टेट बोर्ड से किया है, हमारी जगह कोई एग्जाम भी देते तो भी चलता था उनको। यार देखो वो जो भी हो यार, तुम लोगों को होमवर्क मिल रहा है ना, आई वुड से प्रायोरिटाइज दैट, यानी इट इज़ इम्पोर्टेंट तुम लोग इसका होमवर्क करके बैठो, वरना आगे इशूज आना शुरू हो गए तुम लोगों को। हाँ ठीक है, मैं 8 एक्सरसाइज पे भी ले जाऊंगा, तुमने पहले 7 एक्सरसाइज का मान लो होमवर्क छोड़ा हुआ भी है, यू विल अंडरस्टैंड एवरी थिंग इन क्लास। रेयरली ऐसा होगा तुमको समझेगा नहीं, फिर तुम लगेगा हाँ ये सुना हुआ है, बट जब तुम लोग करने बैठोगे तुम लोगों को 50 डाउट्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल इवन दिस क्वेश्चन, ये मेरे से स्किप हुआ है भाई, ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना, उसके बाद देखो मैंने तो अपनी प्रॉपर्टी से बता दिया, बट लकीली कुछ लोगों ने होमवर्क किया था, दे ट्राइड समथिंग एल्स, एंड ट्रस्ट मी इट इज बेटर देन व्हाट आई वाज टीचिंग। इट्स प्रीटी पॉसिबल, समटाइम्स यू माइट डू इट इन अ वे विच इज नॉट इवन अलाउड एंड यू विल डिस्कस, यू विल रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स यार, इसलिए प्लीज अपना होमवर्क अटेम्प्ट किया करो। हाँ वो फर्स्ट सेकंड डिस्कस ही नहीं करना मुझे, यहाँ तक ठीक है। यस थर्ड का फर्स्ट नाउ, ये दिस वाज इजी, इसको और इसको एक्सचेंज मारा बेटा मैंने, तो x 2 log e, नीचे x की पावर माइनस 3, log e मान होता है, x की पावर 2 x की पावर माइनस 3 dx, x की पावर माइनस 1 dx, बट x की पावर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, हाँ वो ध्यान रखना, तो जाएगा log x प्लस c ऑब्वियसली, थर्ड का थर्ड वाला, एक समझ देख बना, तेरे को पहले तो मुझे बता ये प्रॉपर्टी समझिए क्या, ठीक है। अब देख मैंने इस स्टेप में इसको और इसको एक्सचेंज करके यहाँ पर आया हूँ, फिर ये 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिखा है, फिर ये 2 स्क्वायर डिनोम उसका था, बेस का था, इसलिए ये 1/2 जैसा बना है, फिर log 2 विद बेस 2 था इसीलिए ये 1 बन गया था यहाँ पे, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन भी होना, लेट क्यों इतना छोटा, और कॉल उठाया करो, कोई करता है ना बेटा, क्योंकि वैसे लकी थी तुम अपने फादर के साथ ही हो तो मुझे पता है तो सोई भी है या नहीं आ रही है, खुद टू व्हीलर व्हीलर से आ रहे हो या कुछ रहे हो पता चल जाए किसने कॉल किया है, तो एटलीस्ट उसको ना कॉल बैक करके या मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, ठीक समझे क्या? एक्स या 1/2 का फिर इंटीग्रेशन करना है, हाँ यस कर कर कर। ये अमन इसका सेकंड थप्पड़ बताना है, सेकंड का थर्ड, ये देखो सिंपल, इंटीग्रेशन ऑफ 4/9 की पावर x dx, 4/9 तेरा a जैसा बन जाएगा, खत्म। 4/9 को तो a पढ़ना है, वो कांस्टेंट हो, a यानी कांस्टेंट था, 4/9 भी एक कांस्टेंट है, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, a की पावर x log a, खत्म। किसी की ऐसी खुजली रही इसमें आगे, प्लस सी ओबीसी कुछ खुजली उजली आ रही है अपने को, सर नहीं, 4/9 को 2/3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर ऐसे ये 2 को नीचे उतारेंगे, अच्छा ठीक है सॉरी, a की पावर x अपॉन log a, सॉरी वो 4/9 तो ये, ठीक है, फिर ये जो 2 है ये 2 को हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है एब्सोल्युटली फाइन। फिर किसी की और खुजली हुई, नहीं सर उसको फिर 2 log 2 - 2 log 3 करेंगे, एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। आई एम नॉट श्योर उसने क्या आंसर दिया है, कमे है साले, हाँ क्या बोला था तुम, हाँ एक्स तो बेटा वेरिएबल है,
मुझे कल किसी ने पूछा था तो यहाँ पे एक्स जीरो हो गया तो क्या, कुछ तो भी क्वेश्चन था। नहीं, देखो तुम्हारा कुछ फंक्शन अगर दिया हुआ है ना, मान लो एक्स की पावर कुछ भी दिया हुआ है 8 का इंटीग्रेशन, तो अगर एक्स जीरो हो गया तो क्या होगा। बेटा पहली बात, एक्स जीरो तुम अपने मन से नहीं कर सकते हो, ये फंक्शन था एक्स की पावर 8, एक्स इज अ वेरिएबल। फंक्शन का मतलब समझता ना, तुम अलग अलग इनपुट डालो अलग अलग आउटपुट्स आएंगे, तुम एक्स की वैल्यू जीरो करोगे तो आउटपुट जीरो आ जाएगा, बट दैट डज नॉट मीन कि एक्स की वैल्यू जीरो डाल देता हूँ मैं सर, आपको अलाउड नहीं है ये चीज़। आप जब डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करोगे, बहुत टाइम है अभी इसको, तब आपको थोड़ा सा एक्स के साथ वैल्यू जानने मिलेगा, उसको टाइम है अभी, ठीक है। चलो हाँ प्लीज, हाँ सही तो क्या करके लाएंगे ना यहाँ तक, ये भी सही, ये भी सही, बस टू का सही तो यहाँ था तुम्हें। चलो अब एक्सरसाइज टू क्वेश्चन वन, एनी वन, एंड दोनों सब पार्ट्स ऑफ थी क्वेश्चन टू, एनी वन, टू का फर्स्ट, अच्छा ठीक है पहले फर्स्ट आ देख रहे थे। देखो ये रूट ऑफ 3x है, तो इस टर्म को मैं रूट 3 इंटू रूट एक्स लिख सकता हूँ, ये पता है आप लोगों को, 1/√x dx, ठीक है। अब इसका ये देखो रूट 3 बाहर आ गया, रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स या 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 रूट एक्स, एक्स या -1/2 उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर -1/2+1 यानी 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, तो मेरा आंसर 2√3 एक्स की पावर 3/2/3 प्लस 2√x या 2x की पावर 1/2 प्लस c जैसा कुछ आ रहा है। कोई इशू देखो, नहीं बेटा देख वो जो था ना वो a की पावर x जैसा कुछ बन रहा था क्वेश्चन, आई थिंक इट वॉज समथिंग लाइक 2 की पावर x e की पावर x था, ठीक है। तो जो 2e की पावर x बोला था मैंने, तब ये a की पावर x के फॉर्मेट में आ रहा था। यहाँ पे अगर जो तू बोलना चाहती है तो ये 3x की पावर 1/2 लेगी, तो तेरा x की पावर वाला भी नहीं आ रहा, a की पावर x वाला भी नहीं आ रहा है। वैसे अपन लोग आज एक सब्सटीट्यूशन मेथड सीखने वाले हैं जिसमें अब तू 3x और t मान के डिफरेंशिएट कर पाएगी, और उसकी ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए थी यहाँ पे, ठीक है। यस वही था, ओके नहीं अभी नहीं सीख, यानी अभी नहीं आता, देखो आज अपन सीखेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड से। अब इसे सेकेंड सब पार्ट करके बता रहा हूँ मैं, पहले तो इसे नॉर्मल फॉर्मेट में लिख रहा हूँ जिससे मुझे इंटीग्रेशन समझ में आ जाए उसका। तो ये देखो 2a बाहर x की पावर -1/2 dx माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx प्लस 3c, हाँ तू ये देख ये वाली प्रॉपर्टी कल बताया था बेटा ने, ये एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट है वो, तो इसको कैसे लिखेंगे पहले अपन लोग, x की पावर 2/3 dx, ये समझाया तेरे को। अब इनको इंटीग्रेट किया बेटा मैंने, 2a एक्स की पावर -1/2+1/2 अपॉन 1/2 माइनस बी एक्स की पावर -1 अपॉन -1 प्लस 3c एक्स की पावर 5/3 अपॉन 5/3, ठीक है ना, प्लस c। एक सेकंड, वो 2/3 कैसे हुआ तो वो पूछ रही है। देखो तुम लोगों का ना 9th की प्रॉपर्टी थी, तब तुमने नया नया कोविड सुना था, ठीक है। ये देखो ये एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट है, ये जो भी आता है टर्म वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में चल जाता है, तो दैट इज एक्स की पावर 2/3 के बराबर। ए की पावर m का nth रूट इज ए की पावर m अपॉन n, ठीक है। देखो समझा अब वाला एक मेरे को लगता है उसमें ही कंफ्यूजन हो सकता है, बच्चों इसमें इतना इशू नहीं आ जाता। हाँ कह दिया, हाँ तो 3 ये इंटू 3 लिखा है मैंने, हाँ एक सेकंड, पहले मुझे इतना सारा जो चीज़ें रैंडम सी हो गई है वो डाल दो, वो प्लस सी, हाँ कोई सवाल, हाँ कौन सा नहीं समझा तेरे को, ये देखो पहले इसको थोड़े नॉर्मल फॉर्मेट में लिख रहा हूँ जिसमें मेरे को इंटीग्रेशन पता है, यानी हर एक्स को ऊपर ला रहा हूँ मैं, और पावर में यानी अगर अंडर रूट तो 1/2 जैसे लिख रहा हूँ चीज़ों को। तो ये देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ 2a, रूट एक्स नीचे था तो वो एक्स या 1/2 था, उसको ऊपर लाया तो एक्स की पावर
माइनस वन बाई टू हो गया बेटा, माइनस बी एक्स की पावर माइनस टू, यहाँ तक ठीक है। इसको एक्स की पावर टू बाई थ्री लिख सकते हैं, पता है तेरे को, प्लस थ्री सी, ये फिर जब प्लस इंटीग्रल ऑफ थ्री सी एक्स की पावर टू बाई थ्री। अब देखो ये टू है तो वैसे ही रह गए, एक्स की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन, यानी वन बाई टू यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा वन बाई टू, माइनस बी एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ये थ्री सी एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस वन हो जाएगा तेरा फाइव बाई थ्री अपॉन फाइव बाई थ्री प्लस सी, खत्म। तो बन जाएगा फोर ए एक्स की पावर वन बाई टू प्लस बी एक्स की पावर माइनस वन प्लस नाइन बाई फाइव सी एक्स की पावर फाइव बाई थ्री प्लस सी, समझाई चीज। हाँ बेटा काय में, अच्छा इसमें नहीं ना, हाँ मॉड एक्स लगाना चाहिए। जब तक डेफिनेट इंटीग्रेशन रहेगा तब तू नहीं लगाएगा, चल जाएगा। सर डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है अपन आगे देखेंगे, पर यहाँ पे लगाना चाहिए। किसका मारी चलो, अभी एक कोई कर रहा है क्या अभी भी? यस बेटे, भी होना वो कुछ पेपर दे रहे हैं, वो ले ले बेटा। कौन सा स्टैंडर्ड के देख, वहाँ पे नॉक कर। चलो थर्ड का फर्स्ट सेकेंड एनी वन, सेकेंड यस, ए सेकेंड इजी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा, सॉल्व कर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, खत्म। ये एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया, खत्म। तो ये फंक्शन तेरा ये बन गया, उसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा तेरा, एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स प्लस सी, खत्म। कर फटाफट यार, वो देख देखो अभी तक के प्रोडक्ट रूल मैंने सिखाया नहीं है, जैसे डिफरेंशिएशन में यू वी रूल जो था, यू इंटू डिफरेंशिएशन वी प्लस वी इंटू डिफरेंशिएशन यू, इसमें इतना सिंपल नहीं है। जब तू आगे देखेगा, बाय पार्ट्स बोलते उसे, और जब तू देखेगा भी तो इसमें तो प्रोडक्ट रूल लगाएगा नहीं, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के मेरा फंक्शन ऐसा बन जाए जिसमें मैं कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे विद मैच्योरिटी दिखना शुरू हो जाएगा। फोर्थ एनी वन, फर्स्ट और सेकेंड, सेकेंड सब पार्ट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर था बच्चों, तो पहले अपन फंक्शन में ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करना नहीं समझा देखो, ठीक लिख कर फट से। वन का इंटीग्रेशन एक्स ही होता है, फाइव का इंटीग्रेशन फाइव एक्स हो जाता है। हाँ बोल बेटा, एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स मतलब एक्स की पावर वन हो गया, एक्स स्क्वायर बाई टू, अच्छा भी प्लस वन, हाँ कुछ कुछ बोला गया, हाँ हाँ एक्स लॉग एक्स, एक्स की पावर माइनस वन मतलब वन बाई एक्स होता था। चलिए अभी फिफ्थ का फर्स्ट सब पार्ट बता रहा हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा बेटा इसमें भी मैं, रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, रूट एक्स आता था एक्स की पावर वन बाई टू, एक्स इंटू एक्स की पावर वन बाई टू डी एक्स,
ये देख यहाँ पे a की पावर m इंटू a की पावर n वाली प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट की लगाई तो x की पावर 3 बाई टू डी एक्स, फिर इंटीग्रेट करना है मुझे तो x की पावर 3 बाई टू अपॉन 3 बाई टू माइनस x की पावर 5 बाई टू अपॉन 5 बाई टू प्लस c, ठीक है। जिन लोगों ने ये होमवर्क नहीं किया है ना बेटा, प्लीज़ अटेम्प्ट करना एक बार पूरे के पूरे। हाँ पहले डालना चाहिए आपने, मैं समझा तेरी भावना है जो तू बोल रही है। वैसे देख मैं तुझे बताता हूँ क्यों भाई, उसका क्वेश्चन बहुत सही है। उसका क्या बोलना है, देखो फोर्थ के फर्स्ट वाले में जब इंटीग्रेट करवाया आपने उसमें तो लॉग ऑफ मॉड एक्स डाला है, सेकंड वाले में जब कर रहे थे तब उसे सिर्फ लॉग एक्स लिखा है, तो गलत लिखा है क्या? तो नहीं, उसने गलत नहीं लिखा है, बताओ क्यों गलत नहीं लिखा है? नहीं, तुम अगर वो फंक्शन देखोगे ना बेटा, वो फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पे डिफाइंड है, जो रूट एक्स है आप नेगेटिव डाल ही नहीं सकते थे उसमें, तो इसलिए उसको इतना स्ट्रेस नहीं था मॉड डालने का कि गलती से नेगेटिव डाल देगा तो फिर फंक्शन मेरा डिफाइंड नहीं रहेगा। यहाँ पे फंक्शन उसने बनाया हुआ है, यहाँ पे एक्स यदि खुद ही नेगेटिव नहीं आ सकते, इंटीग्रेशन में उसको पता है नहीं कर सकते, जबकि जो फोर्थ का फर्स्ट वाला है यहाँ पे एक्स कुड हैव बीन नेगेटिव, ऑब्वियसली कुड नॉट हैव बीन जीरो बट कुड हैव बीन नेगेटिव, ठीक है। दैट वॉज अभी तक के फिफ्थ का फर्स्ट, फिफ्थ का सेकेंड सब पार्ट एनीवन? फिफ्थ का सेकेंड सब पार्ट अगर है तो फर्स्ट आना चाहिए था, ठीक है ना। सिक्स एनीवन? यस, सिक्स का फर्स्ट चलो बेटा, अपना अपना अपने अपने को देके डिवाइड कर ले, यानी एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी एक्स प्लस फाइव प्लस फोर बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो फोर बाय एक्स तो ठीक है, इसमें एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स लिख रहा हूँ, जगह एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस फाइव एक्स प्लस फोर एक्स। जिनिशा बेटा मुझे पता है यहाँ पे लॉग एक्स जो लिखूंगा मैं, ये क्वेश्चन चल रहा है मेरा सिक्स का फर्स्ट वन, उसमें मॉड डालूंगा या नहीं डालूंगा? मैंने भी हाँ डालूंगा ना बेटा, क्यों ना, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, ठीक है। ये करना एक समझ जाएगा, सिक्स का सेकेंड सब पार्ट एनी वन? नहीं, फटाफट करो बेटा, जिसका नहीं आया था सिक्स का फर्स्ट सब पार्ट। नहीं नहीं बेटा, इसमें पहले तो ए की पावर m इंटू ए की पावर m वाली प्रॉपर्टी लगाएगी तू, तो एक्स की पावर वन इंटू एक्स की पावर वन बाई टू इज एक्स की पावर वन प्लस वन बाई टू, एक्स की पावर थ्री बाई टू हो जाएगा। चलिए, दैट वॉज सिक्स, सेवेंथ का फर्स्ट सब पार्ट एनीवन? फर्स्ट यस, अगेन वो वैसे सिंपल ही है, पहले अंदर वाले इसमें आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी बेटा, कर रहे मैं रुका हूँ बट मैं रुका हूँ बट उसका सेकेंड सब पार्ट एनी वन? एट का फर्स्ट सब पार्ट एनी वन? यस, ये देख
पहले ऊपर मैंने आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट एक्स जो था वो अपना अपना सबको अपना अपना दे रहा हूँ मैं, यहाँ तक ठीक है ना। अब यहाँ पे ए की पावर एम, सॉरी ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं, तो जाएगा ए की पावर टू माइनस वन बाई टू, मतलब जाएगा थ्री बाई टू। यहाँ पे बचेगा टू ए एक्स की पावर वन बाई टू प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स, आगे इंटीग्रेट कर लेगी तू। ये रूट एक्स था बच्चा नीचे, वो एक्स की पावर वन बाई टू नीचे बनेगा, उसको मैंने ऊपर भेज दिया। फिर ये रहेगा एक्स की पावर वन और ये रहेगा एक्स की पावर वन बाई टू ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, ए की पावर एम माइनस एन, तो वन माइनस वन बाई टू। फिर माइनस वन बाई टू है तो प्लस वन अपॉन प्लस वन, देखिए ये तो नहीं एक्स पावर फाइव बाई टू अपॉन फाइव बाई टू प्लस टू ए एक्स पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, ये ए स्क्वायर एक्स की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन वन बाई टू, हाँ वन बाई टू। हाँ बेटा क्या मल्टीप्लाइड है ना बेटा ये तो, और वो ये ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन में कोई प्रॉपर्टी नहीं लगती बेटा, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन में नहीं लगेगी, बट ए की पावर एन अगर रहेगा तो ए की पावर एम प्लस एन बन जाएगा वो, ठीक है। लाउटी जी ने होमवर्क किया है क्या, दिखाओ थोड़े बहुत भाई, फिफ्थ किया है फिर नाइन्थ लिख के आया है, फिर जो है बीच थोड़े बहुत छोड़ के आया हूँ, हड़प पगले। ए भाई तूने किया भी क्या ये बता, बेटा तूने आंसर चेक किया है क्या? हाँ वो दिख रहा है मेरे को, इतना किस पे भाई, मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ा था बेटा। मैं आंसर भी देख लिया कर, क्या है ना तेरे को फिर चार बार और करना पड़ता हर एक क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा लगा अच्छा लगा। चलो गाइस दैट वाज एट ऑफ एट का सेकंड, एनीवन? यस गुड बेटा, देखो अब ये एट के सेकंड वाले में ना किसने अटेम्प्ट किया आया है, वेट 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 वेट, हाँ ठीक है गुड बेटा, उसमें कुछ नहीं, तुम अपना अपना अगर दोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला बेटा, कटने वाला है नहीं, वो ऊपर फैक्टराइज हो रहा है एक्चुअल में। अगर तुम देखोगे इसको, देखो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन निकाला मैंने तो बचा क्या एक्स माइनस वन, प्लस इन दोनों में से वन कॉमन निकल रहा था एक्स माइनस वन, द होल ओवर एक्स माइनस वन था, तो बन जाएगा मेरा एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल ओवर एक्स माइनस वन डी एक्स, ये कट गया ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स और हो जाएगा। हाँ मैं वही बता, अब देखो धीरे धीरे जब तुम लोग आगे बढ़ोगे ना तो देर विल समथिंग कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे देखेंगे अपन लोगों, तब आप लोग अगर क्लिक नहीं हुआ फ्रैक्शन वो है खेलते फैक्टराइज हो रहा है, आप लॉन्ग डिवाइड करोगे तो अपने विदाउट रिमाइंडर में वही एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा आप लोगों का, बट ठीक है टाइम है उस चीज़ के लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन आप लोगों का आता है। यस नाइन में वहां पे ऊपर भी कॉमन नीचे भी कॉमन निकल रहा है, ई और एक्स नहीं, हाँ वो यस फिर उसके बाद में तो ऊपर भी कॉमन नीचे भी कॉमन, और उसके लास्ट वाले में ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है, वो करता हूँ करा दूंगा। नहीं नहीं नाइन्थ या सेकेंड वाले में मैं दोनों बता दूंगा, पर तुम लोग पहले अटेम्प्ट कर लो,
वो x की पावर 6 प्लस 1 जो लिखा है उसको x स्क्वायर का क्यूब लिख सकती है प्लस 1 का क्यूब। x स्क्वायर को अभी के लिए a बोल रहा हूँ मैं और 1 को b बोल रहा हूँ मैं, तो वो a क्यूब प्लस b क्यूब बन चुका है। तो ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी जो थी होती है a प्लस बी टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो लगाएगी तो कटना शुरू हो जाएगा तरह चीज़ें। ट्राई कर मैं देता हूँ 2-3 मिनट। अच्छा इसने हिंट में भी दिया था बट ठीक है। मैं दोनों बताऊंगा एक बार, हो जाओ बच्चों को अटेम्प्ट ना दो। सुने कर तूने कल कितना 13 दिया था बच्चे को, कितना 13? हाँ और अभी किसने दिया था मुझे 6 करेक्ट। पूरा नाम क्या है अपना? काबरा। हाँ यस। एनी वन अटेम्प्टिंग? शुड आई बी वेटिंग फॉर एनी वन? नहीं तो मैं 9th का पहला वाला बता रहा हूँ पहले। चलिए देखिए, अभी ये तो एक्सचेंज वाला अब तुम लोगों के प्रॉपर्टी समझ में आ गई है। तो ये एक्स पावर 6 लॉग ई जो होगा वो 1 हो जाएगा, एक्स पावर 5 अपॉन एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 3। ये एक्स पावर 5 कॉमन निकाल रहा हूँ मैं अगर, अरे एक्स पावर 5 कॉमन निकला उसमें से, तो x माइनस 1 नीचे से x क्यूब कॉमन निकला x माइनस 1, ये कट गया, ये एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c, खत्म। ठीक है ये तो सिंपल सा था। एक और बताऊँ ऊपर देख, ये e और x का एक्सचेंज करूँगा, ये एक्स पावर 6 माइनस एक्स पावर 5 अपन एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 3, ऊपर से एक्स पावर 5 कॉमन निकला x माइनस 1 बचा, नीचे से एक्स पावर 3 कॉमन निकला x माइनस 1 बचा, x माइनस 1 x माइनस 1 वो तो कट गया, एक्स पावर 5 अपन एक्स पावर 3 जो था वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और दिव्य तू आगे बैठा कर बेटा प्लीज़। हाँ ऊपर लेके ही नहीं गया मैं। अच्छा अच्छा ऊपर लेके गया तू। हाँ एक्स पावर 5 इंटू एक्स पावर माइनस 3, हाँ वो भी चलता है। ये प्रॉपर्टी होती है एक ही पावर एम अपन एक ही पावर एन वाली भी। एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। अलग अलग कैसे पता है ना करके एक बार लिख के दिखाऊं मुझे अगर नहीं बेटा। एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में बेटा तो नहीं चलेगा तेरे को। हाँ फिर अलग अलग करते हैं। अब गाइस ये लास्ट वाला देख लो आप लोग। अगेन वैसे देखा जाए ना ये लॉन्ग डिविजन में आप लोग कर लोगे बट लॉन्ग डिविजन बेवजह लंबा खींचोगे इस चीज़ को आप लोग। ठीक है तो एक बार देखो क्या होगा इसके अंदर। ये x की पावर 6 को मैं x स्क्वायर का क्यूब लिख रहा हूँ मैं, 1 को 1 का क्यूब। अब ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब इस a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्रिश स्कूल आया था कैसे आज? वहाँ पे dx लिखना पड़ेगा वो देखो। अब ये और ये कट गया मेरे लिए, एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। फिर तो आगे कहाँ से आप लोगों को आता है करना, समझाइए चीज़ प्लीज़। थोड़ा फास्ट ये कर लेंगे हम लोग। हाँ एग्जांपल 5 और इसका एक लास्ट क्वेश्चन। आज जो इवनिंग वाले बच्चे हैं सर, ये है जो रिवीजन के लिए आ रहे हैं, आज इनवर्स एक अपन निकालने वाले हैं, ए इनवर्स और क्रेमर रूल स्टार्ट करने वाले हैं।
ठीक है। तो जो और बच्चे इंटरेस्टेड है वो लोग आ जाइएगा। आज का सेशन प्लीज़ 8:30 को, मैंने 8:32 तक मैं स्टार्ट कर लूँगा क्योंकि मेरा 10th वालों का प्रेशर नहीं चल रहा है मुझे, एंड देन वील रैप अप टिल 9:45, 9:50 और वट एवर जितना मुझे कराना है। प्लीज़ बी ऑन टाइम एवरी वन जो इवनिंग में आते हैं। कभी एक्स स्क्वायर को मैंने ए बोला, वन को बी बोला था, एक्स स्क्वायर ने ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कल आइडेंटिटी लिखवाया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब वगैरह वाली, वो लिख लो। नहीं बेटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर की कुछ लगाया नहीं मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वन ऊपर भी था, एक्स स्क्वायर प्लस वन नीचे भी था, ऊपर भी फैक्टर था नीचे भी फैक्टर, तो काट दिया मैंने। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर नहीं बेटा, सुन, वो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बना हुआ है, इट इज़ नॉट इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ये टू होता तो हाँ, नहीं तो टू है नहीं ना वहाँ पे, तेरी आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की ए प्लस बी टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो हम लेफ्ट विथ एक्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जिसको एक्स बार फोर लिखा है, एक्स स्क्वायर इंटू वन जो एक्स स्क्वायर ही बचा, वन का स्क्वायर जो कि अगेन वन ही बचा था। सेंटर पॉइंट जस्ट टू कंफर्म, आप लोगों के एग्जाम में ये पूरा चैप्टर आ रहा है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पूरा चैप्टर आ रहा है ने? हाँ, और पिछले चैप्टर का जो था एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स के आखिर के तीन नहीं, वो सेम आएगा तुम लोगों को, पर अपन लोग कंप्लीट करने का अपना टारगेट रह गई। और पिछले जो चैप्टर था अपना क्या कहते हैं एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स, उसके अंदर मैक्सिमा मिनिमा वाली एक्सरसाइज है उसका एप्लीकेशन आ रहा है या उससे आगे पूरा रहा है, सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना। मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा, वैसे मैं रिविजन ले भी लूँगा, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो सेंटर पॉइंटर स्पेशली एंड इवन बीवीएम आई वुड से, क्योंकि वो एक चैप्टर ना लंबा है, स्टार्ट सॉल्विंग वन और टू एग्जांपल्स रेगुलरली। जो लोग कर रहे हैं जिनको कोई भी एग्जांपल में डाउट आता है मुझसे आके पूछ लो, वो होने के बाद में एक्सरसाइज भी एक बार कर लो उसकी, देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन इवन इन दैट एक्सरसाइज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एटलीस्ट 20 तो अपने सॉल्व 19 शायद सॉल्व एग्जांपल्स उसके अंदर, ऐसा कुछ है। तो रोज एक दो कर लोगे तो आखिर से प्रेशर नहीं आएगा। एप्लीकेशन डेरिवेटिव की एक एक्सरसाइज है ये, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स की, हाँ वो नहीं पता कौन सी एक्सरसाइज है, सेवन हो रहे हैं, हाँ चलो हाँ वो ठीक है। और ये जो इंटीग्रेशन का तुम लोगों को ये जो आएगा ना टिल 9th, आई थिंक वो डेफिनेट वगैरह होगा, उसमें इंक्लूड नहीं हुआ है। चैप्टर वैसे ईजी है बट इसका अगर तुम रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो स्ट्रेस नहीं आएगा। पेपर कब का है, पोस्ट दिवाली है, हाँ फाइन। चलिए नाउ अपना यहाँ का एक क्वेश्चन बचा हुआ था, एग्जाम्पल नंबर 5। तुमको एफ डैश एक्स याद है क्या होता था? कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है और मुझे फंक्शन निकालना है तो क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। तो मतलब क्या, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैं एफ डैश एक्स बोलता था, अब इसका इंटीग्रेशन मेरा वो फंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो अब देखो, अगर मुझे f ऑफ x चाहिए है, ये सब कुछ भूल जाओ अभी के लिए, तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x इज द फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन क्या करना चाहूँगा यानी कि मैं 4x³ - 3x⁻⁴ ये हो जाएगा, जो कितना बन जाएगा बेटा मेरे लिए 4x⁴ / 4 - 3x⁻³ - 3 / -3 प्लस सी, ठीक है। तो ये जाएगा x⁴ प्लस 1/x³ या x⁻³ प्लस सी, वैसे यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए था, ये मेरा एफ ऑफ एक्स आ गया है, बट उसने आगे एक और चीज़ दे दी मुझे, सर एफ ऑफ टू की वैल्यू मेरी 0 है। एफ ऑफ टू का मतलब क्या होता है, हर एक जगह पे 2 डाल दो। तो राइट नाउ दिस इज माई फंक्शन, मेरा एफ ऑफ टू की वैल्यू 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर माइनस 3
प्लस सी, हर सी की जगह पे टू नहीं डालना है. और दिस इज इक्वल टू जीरो मुझे दिया गया है, टू फोर टू 16 प्लस 1 बाय 8 प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. तो सी इज माइनस 16 माइनस 1 बाय 8, सी इज 16 8 का कितना होता है भाई लोग 144 माइनस 145 बाय 8. मेरे सी की वैल्यू आ गई अभी 144 माइनस 144 माइनस 1. तो मैं सब कुछ एक साथ सॉल्व कर लिया. तो मेरे को जैसे सी की वैल्यू मिल गई तो इस फंक्शन में सी की वैल्यू डाल दिया मैंने, तो मेरा एफ ऑफ एक्स बन, ए मेरा कुछ गलत आएगा, 124 होता है वो, सॉरी तो माइनस 120 नहीं 128 होता है, तो माइनस 129 हो रहा है सॉरी. तो मेरा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर माइनस 3 माइनस 129 बाय 8. तो कुछ समझा नहीं, अगर जिनको नहीं समझा है एक काम करो, सिर्फ इंटीग्रेट करके पहले मुझे ये सी के टर्म से फंक्शन ला के दो, पहले बस ये सी के टर्म से मुझे फंक्शन ला के दो बस. एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होता है, या फंक्शन के डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन तेरा फंक्शन इटसेल्फ होता है, वैसी प्रॉपर्टी दे. अब अपन लोग नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने की जगह पे ना आज लॉन्ग डिवीजन पहले सीख लेंगे, क्योंकि न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने लाइक अपना टाइम नहीं है, लॉन्ग डिवीजन अपने को लगने ही वाला है कहीं ना कहीं आगे, तो अपन अभी लॉन्ग डिवीजन पहले सीख लेंगे. एंड स्कूल में किस किस ने ध्यान दिया है बाई एनी चांस सब्स्टिट्यूशन मेथड पे? गुड. चलो नॉट दैट अपना उनका अलग रहेगा, बट स्कूल में मोस्टली थर्ड एक्सरसाइज से लेकर फोर्थ और फिफ्थ आई थिंक तीन एक्सरसाइज लोग फॉर्मूला बेस्ड करवाते हैं. अपन लोग स्टार्टिंग में फॉर्मूला बेस नहीं करने वाले हैं उसको, अपन थोड़े लंबे मेथड से करेंगे टू गेट कॉन्फिडेंस इन सब्स्टिट्यूशन मेथड. फिर आप लोग वो खुद को थोड़ी देर बाद में सिखा दूंगा तीन एक्सरसाइज होने का इसका फॉर्मूला क्या होता है, और कभी आगे देखेगा तब अपन फॉर्मूला लगाएंगे. तो मतलब क्या देख लेंगे, कोई बात नहीं इसका. क्या बच्चा मेरे को सिर्फ उसको इंटीग्रेट करके दे पहले. हाँ एफ डैश एक्स जो दिया हुआ उसको इंटीग्रेट करना, एफ ऑफ एक्स आएगा उसको इन टर्म्स ऑफ सी ला के दे मुझे. एफ ऑफ एक्स का प्लस सी के टर्म्स में लाए तूने, हाँ सही तरह भी. अब गाइस आगे के पहले इसको इंटीग्रेट करके देखो तुम्हारा अभी के लिए एफ ऑफ एक्स क्या आया है. एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर माइनस 3 प्लस सी आया है, ठीक है. अब उसने ना सी की वैल्यू निकालने के लिए ये हिंट दे दिया, हिंट नहीं बोलते ना ये डेटा दे दिया. तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 2 दी हुई है, यानी हर एक जगह पे 0 डालूंगा तो मेरा आउटपुट 2 आना चाहिए था, तो मैंने हर एक जगह पे 2 डालना शुरू किया. उल्टा लिख दिया इसको, हाँ प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2 4 8 16 1 बाय 8 प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो सी को सॉल्व करने से इससे आ रहा है माइनस 129 बाय 8. अब तुमको सी की वैल्यू भी पता है
तो यहाँ से अब तुम लोग डालोगे तुम्हारा फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हारे को एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर माइनस 3 1 बाई एक्स क्यूब प्लस सी, यहाँ पे सी की वैल्यू हो गई माइनस 129 बाई 8, हमारा फंक्शन बन गया। समझाई चीज बस खत्म भाई, इसके आगे नहीं, खत्म 45 करो ये। चलिए बड़े आगे, अब देखो बेटा आप लोगों को मैं लॉन्ग डिवीजन सिखा रहा हूँ। पहले लॉन्ग डिवीजन समझ लो कहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। जब भी ऐसा होगा, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहता है, न्यूमरेटर का ऑर्डर या न्यूमरेटर में जो भी एक्स है, ध्यान देवन तो बात करना, न्यूमरेटर में जो भी एक्स एक्स है उसकी पावर बड़ी रही और डिनोमिनेटर में छोटी रही, तब अपन लोग दिव्य ध्यान दें लॉन्ग डिवीजन यूज़ करेंगे। मतलब क्या, कुछ ऐसा आ गया एक्स की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 डिवाइडेड बाय आ गया कुछ x माइनस 2 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब देखो ऑब्वियसली अपन अपना अपना अपने अपने को दे नहीं सकते, इसको अगर इंटीग्रेट करना है वो कैसे करना पड़ेगा वो बाद में देखेंगे, बट अभी इसमें आपको लॉन्ग डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर। तो अब देखो नाइन्थ नहीं पढ़ो तुम लोग, ठीक है, तुम लोग का टेंथ में था लॉन्ग डिवीजन, तो तुम लोग शायद थोड़ा क्विकली याद आए। पहले आपको ना सही फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, सही फॉर्मेट में मतलब सबसे बड़ा ऑर्डर वाला पहले, फिर उससे छोटा उसके बाद में। एक्स क्यूब नहीं है ना वहाँ पे तो लाना पड़ेगा, पर तुम वन एक्स क्यूब नहीं, तुम क्या लाओगे 0x³ माइनस 4x² प्लस 8x-3, फिर ये x-2 जो था वो वैसे ही, पहले को पहला बनाओ। क्या बोल रहा हूँ मैं, पहले को पहला बनाओ मतलब x को x की पावर 4 बनाओ। तो क्या कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x को x की पावर 4 बन जाए x क्यूब से, ये x क्यूब दोनों से मल्टीप्लाई होगा मेरा, तो x की पावर 4 माइनस 2x³। अब ये माइनस ये करूँगा तो 0 हो जाएगा, ये माइनस ऑफ ये करूँगा 0 माइनस ऑफ माइनस 2x³, एलिमिनेशन जैसा करते थे ना वैसा, पर साइन पलट जाती है इसके अंदर, तो बन जाएगा क्या प्लस। तो देखो बच्चे लोगों को ऐसा सिखाया जाता है ये, तो ये कट गया 0 प्लस 2 यानी 2x³, बची सब चीज़ों को मैंने नीचे उतारा। अब फिर से क्या है, पहले को पहला बनाओ, अब x को 2x³ बनाना है तो कैसे मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस 2x² से, दैट विल बिकम 2x³ माइनस 4x², ये हुआ माइनस, ये हो गया प्लस, ये भी कट गया बधाई हो, तो 0 हो गया। बचे सब चीज़ों को नीचे लाया 8x-3, फिर से पहले को पहले से बनाओ तो प्लस 8, तो जगह 8x-16, ये माइनस ये प्लस ये कटा, ये हो गया 13। यहाँ तक के पहले आपको समझा है क्या लॉन्ग डिवीजन, अपन करेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे। अब जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग बेटा वो 8 × -2 हुआ बच्चा, ठीक है। अब तुमको ये पता है डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर जैसा कुछ, तो भी हाँ ये भी तुम्हारे को ना टेंथ में था, वो अब सब चीज़ें कट चुकी है एक्चुअल में। नाइन्थ वालों में भी लॉन्ग डिवीजन कट चुका है, टेंथ वालों को भी कट चुका है, बट नाइन्थ में तो भी हमको सिखाना पड़ेगा। बट कैन नेवर माइंड, देखो डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर होता था, तब देखो दिस इज योर डिविडेंड, ठीक है। तो वो x की पावर 4 माइनस 4x² प्लस 8x-3,
को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डिवाइजर इनटू क्वेश्चेंट। तो डिवाइजर इनटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर कितना है मेरा 13 है, द होल ओवर x माइनस 2 आने वाला है, फिर x माइनस 2 अपना अपना अपने अपने को दूंगा मैं, तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 13 ओवर x माइनस 2 जैसा बन जाएगा। फिर आप लोग इसको इंटीग्रेट अलग करोगे, इसको इंटीग्रेट अलग करोगे, इसको करना आप लोगों को आता है, इसको करना अभी आप लोगों को आता नहीं है, पर वो बहुत ईजी सा है। ये समझा ये चीज़ें क्या हुई है? तो बेसिकली आप लोगों को ये इम्प्रॉपर से मैंने प्रॉपर इसमें लाना सिखा दिया, फेयर इनफ। अब आगे से ना जब आएगा ये, तब हम लोग यस लॉन्ग डिवाइड करेंगे, बट हम लोग ये स्टेप छोड़ देंगे। अब हम लोग कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, ये डिविडेंड की वैल्यू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर कर देंगे। समझे आप लोगों को, यानी इसकी वैल्यू नहीं बोलना चाहिए, पूरे के पूरे फ्रैक्शन को। एक और लॉन्ग डिवाइड करके दिखा रहा हूँ मैं, और ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 5x की पावर 4 माइनस 8 बाय एक्स प्लस 1, छोटा नंबर ही ले रहा हूँ मैं। अब देखो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, तो हो जाएगा ये 4 है पावर, इसलिए 5x 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 1x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 8 बाय एक्स प्लस 1। पहले को पहला बनाओ, धीरे धीरे आप इसमें बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो, फटफट कर लेते हो आप लोग। अब ये अगेन पहले को पहला बनाओ, तो माइनस 8x स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि 9x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 8 तो ये जाएगा प्लस 9x, 9x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 9x माइनस 8 तो हो गया माइनस 9, तो माइनस 9x माइनस 9 ये कट गया, ये 1 हो गया। अब देखो, अब मैं ये जो था फ्रैक्शन, यानी इट वॉज बेसिकली x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 5x की पावर 4 माइनस 8 द होल ओवर x प्लस 1, इसको अब मैं कैसा लिख रहा हूँ, क्वेश्चन माइनस 9 था इसमें पोज प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, खत्म। तो दिस थिंग हैज बीन कन्वर्टेड टू दिस, कोई इशू इसमें किसी को? श्योर। तो गाइस छोटा सा एक ही क्वेश्चन होमवर्क है आप लोगों के लिए, दैट इज 10th क्वेश्चन, वही बहुत फुद्दू सा है, आप लोगों को ओरली हो जाएगा, बट ओरली नहीं, आपको लिख के लाना रहेगा। फ्रॉम टुमारो वील बी स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज। ये देखो, ये जो मैं बात कर रहा था ना, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर बोला, बट जो भी अपन डिवाइजर बोल रहे थे उसको न्यूमरेटर, डिविडेंड बाय डिवाइजर वैसा करके, फिर वील बी मूविंग फॉरवर्ड विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुमारो। कल का सेशन इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने पिछला होमवर्क नहीं किया था वो लोग करके बैठेंगे,